श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का। सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख और तकलीफ न हो, इसी भावना के साथ आज हम ग्रहों की युति का प्रभाव करने जा रहे हैं। सभी के ऊपर ग्रहों की युति का प्रभाव पड़ता है। सभी जन्मपत्रियों में किसी न किसी ग्रह की युति अवश्य होती है, तो ग्रहों की युति का प्रभाव पड़कर ग्रहों के फल को बदल भी देता है। यहां तक कि मनुष्य के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु के ऊपर भी ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। जब दो ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं तो उनका फल बदल भी सकता है, वो एक नया फल भी देते हैं। जैसे दो रंगों को मिलाने से तीसरा रंग बन जाता है, उसी प्रकार जब दो ग्रह, तीन ग्रह, चार ग्रह कुंडली में मिल जाते हैं तो जातक के जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। प्रत्येक जन्म कुंडली में ऐसे योग होते हैं। आज हम ज्योतिष में यही विचार करेंगे, जब जन्मपत्री में किसी भाव में, किसी राशि में गुरु, शुक्र और मंगल की युति होती है तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो इन तीनों ग्रहों में गुरु और मंगल आपस में मित्र हैं और शुक्र जो है वो शत्रुता है, शत्रुता का भाव रखता है, तो जिस कारण कुछ फल बदल भी सकते हैं। तो शास्त्रों में इसके ऊपर एक श्लोक भी प्राप्त होता है, जीव काव्य कुजेर जोगे दिव्य नारी युता सुखी सर्वानंद करो लोके जायते नृपति प्रिया। जिन जातकों की कुंडली में यह है युति होती है गुरु शुक्र मंगल की, उनका जीवन साथी जो है बहुत उत्तम होता है। यदि कोई पुरुष है तो उसका विवाह बड़ी ही गुण संपन्न स्त्री के साथ होता है, बहुत ही नम्र स्वभाव की, अच्छे स्वभाव की स्त्री से उनका विवाह होता है। उनका जीवन साथी जो है बहुत अच्छा होता है, गुणवान होता है और एक तरह से दिव्य गुण भी उनमें होते हैं। उसी प्रकार हम स्त्री की जन्मपत्री में लेंगे। जिस जातक की कुंडली में इन तीनों ग्रहों का योग बनता है वो हमेशा सुखी रहता है, हर तरह का सुख जातक जीवन में प्राप्त करता है। प्रत्येक चीज की एक सीमा होती है, यदि जातक उस सीमा का उल्लंघन कर देता है तो दुख भी प्राप्त होते हैं। ऐसे जातकों को सुख सुविधाओं, ऐश्वर्य और आराम की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अन्यथा इस युति का मंदा प्रभाव भी जातक के ऊपर होता है। ऐसा जातक जिसकी कुंडली में यह योग बनता हो वह सभी प्रकार के आनंद प्राप्त करता है और सरकारी कार्यों में ऐसे जातक को विशेष लाभ होता है, सरकार से लाभ प्राप्त करता है, सरकार से जातक की आमदनी भी होती है। और यदि जातक अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर देता है और यदि जातक अपने चरित्र का ध्यान नहीं रखता तो इस युति का मंदा फल भी जातक के ऊपर हो सकता है। विशेषकर यहां पर दो मित्र ग्रहों के बीच में आने से शुक्र जो है वो मंदा हो सकता है। शुक्र एक फूल है, मंगल अग्नि है और अग्नि के प्रभाव से शुक्र रूपी जो फूल है
वो मुरझा जाता है। और बृहस्पति जो है वो एक सन्यासी है, और शुक्र जो है वो ऐशो आराम का मालिक है, ग्रह सुख का मालिक है। इस प्रकार इन दोनों के स्वभाव भी विपरीत हैं, जिस कारण इस योग में शुक्र जो है वो मंदा हो जाता है और संतान सुख में भी जातक को कमी होती है। ज्यादा मौज मस्ती करने से जातक को जीवन में दुख उठाना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है। ज्यादा मौज मस्ती के कारण कभी कभी जातक के धन का जो नाश भी हो जाता है, धन हानि हो जाती है। सारा धन ऐशो आराम की वस्तुओं में खर्च हो सकता है। इसलिए जातक को सभी सीमाओं का लंघन नहीं करना चाहिए, एक सीमा तक ही सभी प्रकार के सुखों का आनंद लेना चाहिए। और ज्यादा मौज मस्ती से भी ऐसे जातकों को परहेज करना चाहिए, नहीं तो उनको दुख और कष्ट उठाना पड़ता है। यदि ऐसे जातक अपने चरित्र का ध्यान नहीं रखते तो ऐसी अवस्था में इन ग्रहों का फल मंदा हो जाता है, जिस कारण जातक को दुख उठाना पड़ता है। इसलिए इस योग में जातक को इश्कबाजी से दूर रहना चाहिए, अपने चरित्र का पूरा ध्यान रखना चाहिए, अपना जीवन पूरे तरह संयमित तरीके से जीना चाहिए, तभी इस युति का फल जातक को और ज्यादा बढ़कर अच्छा मिलेगा। यदि जातक इन बातों का ध्यान नहीं रखता तो उसको जीवन में दुख उठाना पड़ता है। और उपाय के लिए यदि आपको फिर भी कोई कष्ट कोई दुख हो रहा है तो भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए, जिससे जातक के सभी दुख कष्ट जो हैं वो दूर हो जाते हैं। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, और ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।